ताबीज के अंदर रख कर फिर वो मंत्र पढ़ना ही स्टार्ट आ तभी ना पढ़ कर फिर उसको क्या कर बंद करना है मोम जो होता है मोम से बंद करिए चाहे कोई भी ऐसा चीज से चिपका दिए ताकि उसमें सामान जो है आप मंत्र के जल हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों आज फ्री में ताबीज बनाने का मैं आप लोग के में बताऊंगा ठीक है। क्योंकि 10 रुपया में आप इस ताबीज जो मैं बताने वाला हूँ उस ताबीज का क्या करते रेडी कर सकते हैं घर ठीक है। आ कोई भी आदमी के नजर रक्षा के लिए और जादू टोना ठीक है हाय सपन दोस्त ठीक है ये सब कर आप लोग बचा सकते हैं इस ताबीज से ठीक है। और कितना कारगर है मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है। आप लोग से निवेदन है ये आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे फिर आप लोग का समझ में आएगा ठीक है। तो चलो ये इस वीडियो के आगाड़ी बढ़ाते हैं ठीक है। देखो सबसे पहले ताबीज इस ताबीज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगा दो ठीक। एक ताबीज आपको उधर से लेकर 5 रुपया चाहे 10 रुपया मिल जाएगा आप लोग किराना पसंद से लीजिए चाहे जो तभी पंसारी की दुकान से जाइए जड़ी जड़ी जिधर मिल रहा है उधर मिल जाएगा ठीक है। 10 रुपया में इतना बड़ा ताबीज जो है वो मिल जाएगा ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा जौन गेंदा का जौन फूल होता है ठीक है कोई शुभ मुहूर्त में जाकर उसको नियत पर तोड़ कर लेकर आना ठीक है। अब कितना आदमी के पते नहीं रहता है कैसा नहीं होता। तो देखो सबसे पहले सिंपल बात है दो लौंग दो इलायची दो सुपारी दो पान के पत्ता लेकर जाइए थोड़ा चावल लीजिए दो अगरबत्ती भी लेकर जाइए उधर बाल दीजिए दूसरा कोई भी दिन जाइए आप बाल कर उधर बोलना है कि मैं फाला दिन तो मैं आऊंगा आपको लेने ठीक है। नजर रक्षा के लिए जादू टोना से बचाने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा ताबीज में क्या करूंगा आपके मैं भरूंगा ठीक है। जाना है नेवत नेवत देना है आप जौन सभी दिन बोले हैं रविवार या मंगलवार जौन सभी दिन बोले हैं उस दिन जाइए तोड़ के लेकर आइए ठीक है। सिंपल बात करना है ठीक है। ताबीज जब लेकर आना है तो उसमें लेकर आइए उसमें क्या होता है वो जल फूल रहता है वो कड़ी में से क्या करिए उसमें फूल क्या होता है बिखरता है ठीक है। वो फूल कर क्या करिए आप सुखा सकते हैं ठीक है। सबसे पहले धूप में उसको क्या करिए सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में उस जल ताबीज जौन है वो ताबीज में उसका अंदर रख दीजिए। रखने के बाद मैं एक मंत्र में बताता हूँ ठीक है। रख दीजिए ये हो गया और होने के बाद फिर एक मैं मंत्र बताता हूँ ठीक है। आ ये मंत्र क्या करें इसलिए फूक मार देना कोई समझ नहीं चापका दे रहा है ठीक है। आ चापकाने के बाद में क्या करिए इसको धुपा कर फिर बोलिए जो सभी आदमी उसके गले में धारण करने के लिए ठीक है। जैसा भी हो जादू टोना बुरी अलाय बलाय ठीक है या सपन चाहे जैसा भी हाय जब लगता है चाहे छिरियवनी जो भी लगता है ठीक है। जादू टोना के समक्ष ठीक है इस ताबीज से बहुत ताबीज से उस आदमी को बहुत राहत मिलता है ठीक है। क्योंकि आप लोग इसको बनाकर देखिए जो सभी साधारण मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जो सभी आदमी जब देख रहे हैं तो इसको उपयोग में लाइए और फिर देखिए इसका चमत्कार क्या क्या है ठीक है। हाँ इसका जो रिजल्ट है 75% के ऊपर कारोबार है ठीक है। और मंत्र क्या है मैं मंत्र वो बता देता हूँ ठीक है। क्योंकि उसमें उसका जो फूल है वो क्या करता है अभी के अंदर रख कर फिर वो मंत्र पढ़ना ही स्टार्ट आ तभी ना पढ़ कर फिर उसको क्या कर बंद करना है मोम जो होता है मोम से बंद करिए चाहे कोई भी ऐसा चीज से चिपका दिए ताकि उसमें सामान जो है या मंत्र का जो प्रभाव वो नहीं निकल पाए ठीक है। मंत्र देखो मंत्र सुन मैं बताता हूँ अरगड़ खपड़ी मरगड़ मसान बान भर भूपैताल कोया तलर ससुर बान के लिए चौवन मान ये बान हम बानी हमर गुरु बाने बाने गुरु भाई दूसर खुले अदर फाट मर जाए दुआ ईश्वर महादेव गुरु पार गए सतमु तो बन दो इसी मंत्र को सीख उसमें भर भर फिर बंद करना ठीक। फिर देखो जादू टोना भूत प्रेत म्यादी स्यादी जो भी चीज जब रहेगा धीरे धीरे इसका प्रभाव जो होता है शांत होता है ठीक। 10 रुपया में आपको ताबीज जो रेडी करना यही है 75% से ऊपर ये कारोबार है ठीक है। ज्यादा खास करके जो बच्चा जो रहता है छोटा छोटा बच्चा रहता है ऐसा साल भर से लेकर 5 साल 10 साल वो लोग के ज्यादा एक में ताबीज बनाता है ठीक है। उन लोगों फ्री में बनाकर फिर देता हूँ ठीक है। आप लोग चाहते हैं मन कुछ बनाने के लिए बनाकर फिर धारण करवाइए ठीक है। तो चलो इतने बात है कोई बात जब समझे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो ठीक है। आई अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जुड़ जाइए जुड़ जाएंगे तो एक फैमिली और एक परिवार के तरह हो जाएंगे ठीक है।
वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी।